पुलिस अधिकारियों ने दिए दिशा निर्देश, कहा जल्द से जल्द करें चोरी का पर्दाफाश। बिलासपुर सीपत के मेन रोड से ज्वेलरी शॉप में चोरों ने 15 जुलाई की रात क्षेत्र में बड़ी चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उस रात हंसा पेट्रोपंप के पास दामोदर ज्वेलर्स में चोरों ने 30 लाख से भी ज्यादा सोने चांदी नकदी सहित माल लेकर फरार हो गए। उस दिन दुकान संचालक दामोदर गुप्ता परिवार सहित सकाई कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गए थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चोरी की घटना की एक एक बारीकियों को नजदीक से तस्दीक कर रही है। इस चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए खुद पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला ने बिलासपुर सीपत के पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर संचालक से दुकान और घर में आने जाने वालों की विस्तृत जानकारी ली और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस चोरी का जल्द से जल्द पर्दाफाश कर चोरों को गिरफ्तार करें। चोरी की घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, CSP उदयन बिहार, सीपत थाना प्रभारी नीलेश पांडे की टीम चोरों का पता लगाने में जांच में जुट गई है। समय न्यूज़ लाइव, प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।